हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग जी। बालों में मैंने लगा लिया है तेल, क्योंकि आज फ्राइडे फ्राइडे को मैं बाल दूंगी। और मैं सुबह आज कढ़ी बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि कढ़ी बना लूँ, क्योंकि कढ़ी काफ़ी टाइम हो गया बनाई मुझे। और कढ़ी मेरे को लगती है कि घर की जो दही हम जमाते हैं ना, दूध जो हमारा भैंस का आता है, उसी से मैं दही जमा लेती हूँ और उसी से ये मैं कढ़ी बना के तैयार करूँगी। और कढ़ी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, और कढ़ी तो सबकी फेवरेट होती है। और लेकिन ये बनाना किसी किसी को आता है दोस्तों। मैं आपको बताऊं, गांव में तो इसको लस्सी से बनाया जाता है, लेकिन हम जो शहर वगैरह है, शहर जो दे होता है, उसमें हम थोड़ा सा लस्सी वगैरह नहीं मिलती है। तो हम क्या करते हैं, दही को अच्छे से मिक्सर जार में पीस के उसकी हम कढ़ी बनाएंगे, तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। लेकिन उतना मज़ा नहीं आता जितना गाँव की कढ़ी में आता है, और क्योंकि वो भर भर के लहसुन डालते हैं। और मैं क्या करूँगी, मैं अब इसको अच्छे से पीस लूँगी, और बिल्कुल बारीक पीसना है। ये बेसन डाल के मैंने दही को पीस लिया है, और बालों को बिल्कुल अच्छे से टाइट बांध लिया है दोस्तों, क्योंकि बालों को मजबूती देनी है। तो इस प्रकार ये काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मसाज करना बालों में। किसी भी तेल से करें, वो आपकी मर्ज़ी है। और अब हम ले लेंगे एक बर्तन, और क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है, तो इसलिए। और मैं आ गया है, अब हाथ धो के आ गई, सारा काम कर लिया। दोपहर का समय है, मैं नहा के आई हूँ, बाल में धो के आ चुकी हूँ। और देखो बाल कितने अच्छे हो गए हैं, धो लिए हैं, और ये धोने के बाद ऐसे हो गए हैं, और थोड़ी मजबूती भी मिल जाती है। इसलिए मैं तो आपको आइडिया दूंगी कि जब भी बाल धोएं तो एक बार मसाज जरूर कर लें। मसाज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बालों की। तो मैंने तो अच्छे से मसाज की थी, आप लोगों को दिखाया भी था। और तो चलो अब करते कुछ और काम दोस्तों। अब मैं दोपहर में ही बनाऊंगी ये मोदक, क्योंकि शाम को भोग लगाना है पापा जी को। तो क्या करना किया मैंने, नारियल के कम 8 से 10 बिस्किट लिए हैं, उनको पीस लिए बारीक, और उसमें मैंने थोड़ा सा नारियल का पाउडर डाल दिया। और उसके बाद उसको मैं थोड़ा सा दूध डाल के उसको गूँध लिया है। गूँधने के बाद एक खाँचा होता है मोदक बनाने का, इसमें इसको भर लेंगे, और साथ साथ में बीच बीच में एक हम काजू लगा देंगे, और इसको अच्छे से इस मोदक को बना के तैयार करेंगे। और कहते हैं कि गणपति जी का सबसे फेवरेट फूड होता है ये, उनको मोदक बहुत पसंद आते हैं। और आइए के मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से बन के तैयार हो जाते हैं इस खाचे से। चाहे तो आप हंसे बना सकते हो, और आपको कई तरह के बना सकते हैं मोदक। आप चाहे तो आप चॉकलेट के बना सकते हो, जैसे बच्चों को चॉकलेट पसंद है, तो गणपति जी को चॉकलेट के बने हुए मोदक के भी भोग लगा सकते हो। ये हर प्रकार से बन के रेडी हो जाता है, और बहुत ईजी तरीका है। ईजी तरीका इसलिए है क्योंकि आजकल ये खाचा आ गया है, और इससे ये अच्छे से सेट हो जाता है, और बन के रेडी भी हो जाता है। और आप हाथ से भी बना सकते हो, क्योंकि हाथ से भी बहुत ईजी तरीके से बन के रेडी होते हैं। ये देखिए, और मेरा थोड़ा जल्दी बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है मेरे को दोस्तों, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि बिना किसी आवाज़ के मैं रिकॉर्ड करूँ। लेकिन अभी भी रिकॉर्डिंग करने में बाद में जो बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है कुत्ता भोंकने की, वो भी आ जाती है, क्योंकि रोड है तो कोई ना कोई आता जाता है, चलते फिरते किसी ना किसी चीज़ की आवाज़ आती रहती है। तो ये मोदक मेरे बन के रेडी हो गए हैं, और मोदक बहुत ईजी तरीके से बनाए हैं मैंने। आप बना के भगवान को भोग भी लगा सकते हैं, और बहुत अच्छे भी थे खाने में, टेस्टी लग रहे थे ये मोदक, क्योंकि इसमें कम घी वाले हैं, और घी तो नाम मात्र मैंने इसमें डाला हुआ है। और ये देखिए, 4 से 5 मैंने ये मोदक बनाए हैं, क्योंकि जितने जिसको पसंद आएंगे उतने ही बना के मैं खिला दूँगी। और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा स्नैक्स वो बना के रेडी करेंगे, क्योंकि इवनिंग का समय है। तो सोच रही हूँ कि चाय के साथ ये स्नैक्स बनाए जाएँ। ये मैंने पोटैटो बाइट्स बनाई हैं, और ये आलू से बन जाते हैं। आलू उबालो, और इनको इसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिला लो, और मसाले ऐड करो, और इसका आटा गूंद के इसको अच्छे से ये बना के तैयार करो। किसी भी शेप में बना सकते हो, आपकी मर्जी है। इसको कर लेंगे फ्राई, और जैसे मकैन से मिलते हैं उस प्रकार ये बन के रेडी होते हैं, क्योंकि मैंने बनाए ये फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम इतने अच्छे बने हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं दोस्तों। तो पोटैटो के स्नैक्स बना रही हूँ, तो वो मैंने बना रही हूँ, अच्छे बने हैं ये देखो, क्योंकि अभी तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई इनको बनाने में। और अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो फिर और भी अच्छा रहेगा। मैं आप लोगों को दिखा दूँ ये कैसे फ्राई होंगे, और कुछ भी मतलब मुँह नहीं लगता इसमें मेहनत, बिल्कुल इजी तरीके से। आपने आलू उबाल के फटाफट बना कर दे रही हैं ये बच्चों को, और ये बहुत अच्छे लगते हैं, सच में बहुत अच्छे लगते हैं। एक बार देखते जाओ,
तो दोस्तों ये मैंने बना लिए हैं मकेंस, जैसे आते हैं ना मकेंस पैकेट में आते हैं, तो जिसको हम घर पे आके फ्राई कर लेते हैं, तो आज मैंने उसी प्रकार ये स्नैक्स बना के तैयार किए। ये इवनिंग में खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इवनिंग में जब हम चाय लेते हैं तो खाली चाय ना पिएं, इस प्रकार ये जल्दी से बनने वाली डिश ज़रूर बना के खाएँ। और ये कितने सॉफ्ट और अच्छे बन के रेडी हुए हैं और दो तीन चीज़ों से बन जाते हैं। और इसके बाद मैंने बनाए थे, इससे पहले जो बनाया था वो तो मैंने ये मोदक बनाए हैं, ये मैंने बनाए हैं नारियल के बिस्किट से, जो काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। और ये आवाज़ यहाँ सही नहीं आ रही थी मेरी, तो इसलिए मैं आवाज़ को बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ये दोबारा सब मैं फिर और फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने दो तीन बार ये फ्राई किए हैं। और मैंने ये बनाए हैं आधा किलो आलू के, और शाम हो चुकी है, शाम का समय हो गया है। ये देखिए शाम हो गई, कितनी अच्छी लग रही है। तो मिलती हूँ दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, एक अच्छा सा लेके आऊँगी, खूबसूरत सा लेके आऊँगी। और ये है देखिए नारियल के बिस्किट, और उससे बनाए मैंने मोदक, और काफ़ी अच्छे और टेस्टी थे। तो आप लोग भी इस प्रकार बना के खाइए, और मेरे व्लॉग को ऐसे ही देखते रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाय।